महंगाई पर राज्यसभा में चर्चा हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर सियासी तीर चले। वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया तो जीएसटी पर विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज किया और कहा कि जीएसटी काउंसिल में सबने मिलकर फैसले किए। चर्चा के दौरान टीएमसी ने वॉकआउट किया तो सरकार ने कहा विपक्ष बेनकाब हो गया। मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते सोमवार को लोकसभा और उसके बाद मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई को लेकर चर्चा हुई। बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। अल्पावधि चर्चा के दौरान सभी पार्टियों ने सत्ता पक्ष पर हमले किए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार महंगाई दर को 7% तक रखने में कामयाब रही है। विपक्ष के कई और आरोपों पर उन्होंने खुलकर जवाब दिए। ओवर द स्पैन ऑफ लेस देन 5 years अंडर यूपीए 2 फ्रॉम मई 2009 टू नवंबर 2013 द एवरेज प्राइस ऑफ वेरियस फूड कमोडिटीज वेर इन ट्रिपल डिजिट्स नॉट डबल सम ऑफ देम वेंट अप दैट मच एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग Potato, onion, tomato, the increase in average price over this period, 2009 to 2013, was shockingly at 164% for potato, 323% for onion, and 160% for tomatoes. So that's the kind of increase in price happened during UPA 2. And today with top scheme, We are able to get more of these perishable goods to the market, give them capacities to store, and as a result of which, the prices have been held reasonably. वहीं खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने के मुद्दे पर भी वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि जीएसटी काउंसिल तय करती है और उसमें हर एक राज्य के मंत्री और अधिकारी शामिल होते हैं। उसमें कोई भी राज्य विरोध नहीं करता और बाहर आकर हंगामा किया जाता है। And as regards the latest, the 47th meeting which was held in Chandigarh, it's a matter of record that all states agreed to the proposal. I put it on record. वित्त मंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष ने व्यवधान डाला और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट किया। इस पर सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष का रवैया यही है। It is extremely unfortunate, and this has exposed the Trinamool Congress and my esteemed colleague, the leader of the Trinamool Congress, Mr. Derek O'Brien, stands exposed today in this house. They never wanted the debate in the first place. We have been repeatedly saying they are running away from the debate. इससे पहले सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने महंगाई की दर और बढ़ती कीमतों पर अपने-अपने तर्क रखे। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दुनिया भर में तमाम उदाहरण हैं जहां महंगाई दर 10% को भी पार कर गई। ऐसे में भारत चुनौतियों के बीच भी स्थिर बना रहा और ये उपलब्धता है। वहीं कांग्रेस की सदस्य रंजिता रंजन ने कहा कि सरकार महंगाई को काबू नहीं रख पा रही है। भारत की महंगाई की दर 7% है। दुनिया में 63 देश ऐसे हैं जहां महंगाई की दर 10% से ऊपर है। इतना ही नहीं है, कुछ देशों में 50%, 100% और कुछ देशों में 200% भी महंगाई की रेट है। इसके बावजूद हमारे देश में 7% महंगाई की रेट है। बताते क्यों नहीं है, स्कूटी से जाए तो तेल महंगा, एक टेट्रा का 10 रुपए का जूस पिए तो वो महंगा, स्कूल में जाए तो पेंसिल, रबर, इरेजर, कटर महंगा, तो आदमी जाए तो कहाँ जाए। वित्त मंत्री ने चर्चा के दौरान बताया कि दुनिया की आर्थिक चुनौतियों, महामारी के दौर के बावजूद अर्थव्यवस्था को गति देना एक चुनौती थी, लेकिन सरकार ने हर वो कोशिश की जिससे आर्थिक गतिविधि जल्द से जल्द पटरी पर आ जाए। यही वजह रही कि भारत की विकास दर की संभावना दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफी सुदृढ़ है।